इत्तेफाकन पैदा हो गए हो, और अगर तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है कि तुम इत्तेफाकन पैदा हो गए डार्विन की थ्योरी की तरह या तहरियों की थ्योरी की तरह, तो जाओ, तुम आजाद हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करो। मौत के 200 जवाब किताबों में लिखे हुए, साइंस की किताबों में, मौत क्या है ये, मौत क्या है ये, मौत क्या है ये, 200 जवाब, और एक भी सही नहीं, एक भी सही नहीं। कुरान ने एक जवाब दिया और 100% सही दिया, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, अल्लाह है जो तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है। मौत आ गई, अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेता है, बस तुम मर गए, जीते जागते मर गए, जवान मर गए, बूढ़े मर गए, बच्चे मर गए, सेहतमंद मर गए, एथलीट मर गए, रेसलर्स मर गए, पहलवान मर गए, बादशाह मर गए, फकीर मर गए, मजदूर मर गए। हजरत अली का फरमान है, अल मौत लैस मिनहुल फौत, जिसने मौत से टक्कर ली, मौत से शिकस्त खाई। जिंदगी का मुकद्दर है हारना, मौत का मुकद्दर है जीतना। पहलवान हो या कोई हो, मौत इनको पछाड़ेगी। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर किले के क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, जाओ इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में देखो, बड़े बड़े सेक्रेटरी दफन हैं, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े नाजो अंदाज, बड़ी मस्तियों वाले, बड़े नाचने वाले, गाने वाले, शराब में डूबने वाले, जाओ जाओ देखो, उनकी वीरान कब्रें बता रही हैं कि ये भी कब्रें अकड़ के चलते थे, मस्ती में चलते थे, उनके कीड़े भी मर चुके होंगे जिन कीड़ों ने उन्हें खाया होगा, उनकी हड्डियों को कब्र ने गला दिया होगा और रेत का बुरादा बना दिया होगा। जो कहा करते थे इस्लामाबाद हमारे कंधों पर है, उनकी कब्रें इबरत का निशान है, पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, हुजीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, कभी गा रहे, कभी नाच रहे, कभी शराब पी रहे, कभी इधर गिर रहे, कभी उधर गिर रहे, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। बेटा भी कह रहा है मर जाए बाबा, बेटी भी कह रही है मर जाए अब्बा, बेगम भी कह रही है मर जाए बुढ़ा, जान नहीं छोड़ता। मौली साहब दुआ करो, अल्लाह हमारे अब्बा पर रहम कर दे। क्या मतलब रहम कर दे? हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। जिनके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी रिश्वत से, कभी झूठ से, कभी दगाबाजी से, कभी फरेब से, कभी खोट से, कभी जुल्म से, कभी सितम से, कभी किसी के पेट में पंजे गाड़ के, कभी किसी की बेटी से चुन्नी उतार कर, कभी किसी के मुंह से नवाला छीन कर, कभी किसी की जिंदगी के चिराग गुल करके, कभी किसी के घर के चिराग बुझाकर, जो तूने अपने सोने चांदी के महल तामीर किए और अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखे, आज वही तुझे डस रहे हैं काले नाक की तरह। तेरी हाय पे कोई या हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। ना फरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिनाब में डूब जाएं, रंग रूप में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाए तो मुझे उल्टा लटका दें, मेरे रब की किताब गलत हो जाएगी। अगर गुनाहों में चैन मिले और साजो आवाज में चैन मिले, जिना शराब में अगर चैन मिले, सूद रिश्वत झूठ में अगर चैन मिले, तो मेरे रब की किताब गलत हो जाए। नहीं नहीं, किताब अल्लाह गलत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अला 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 बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो दीवानो, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो गफलत में डूबे हुए इंसानो, अगर चैन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ, यहीं चैन मिलेगा, यहीं इज्जत मिलेगी, यहीं राहत मिलेगी। तो मेरे अल्लाह का ऐलान, मन अअरद अन ذكري فإن له معيشة ضنكا, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को बंद करके रख दूंगा, उसके सीने में घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीना,
इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई वादी, कोई मुर्गजार, कोई कोहसार इसके अंदर की आग का ठंडक का सामान नहीं बन सकता। ये वो आग है जो जब ये जलती है तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का ठंडा पानी है जो इसे बुझा सकता है, वरना हर नाफरमानी इसके अंदर आग को भड़काती जाएगी और ये अपने ही शोलों में सुलगता 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 बेनिशान होकर बेमंजर होकर मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाओ कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पर खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। ना फरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फरमा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, एक बात तो बताओ तुम्हें बेकार पैदा किया है। दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, एक बात तो बताओ मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मट्टी हो जाओगे। सवाल में बड़ी ताकत है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। इसको अपनी मक्खी को मसल कर कहते ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में ताकत है यहाँ। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे। मा खलकना समावात वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है, अब फिर यहां अल्लाह ने हमें अटका दिया। बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया और क्यों चलते चलते तुझे मौत में आके दबोचा और तुझे जेर जमीन पहुंचाया, क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तुम्हें पैदा किया है देखना चाहता हूँ मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, मेरे बंदे बन के चलो। खलकल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्सो शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल-अर्द ज़ीनतल्लाहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियां और मरी की पहाड़ियां, सवाद कालम की पहाड़ियां, वादियां, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कानल्लाहु लियुजिज़हु मिन शय, ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउन मिनकुम मन असर्र अल-क़ौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल-लैल वसारिबुन बिन-नहार, रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुपकर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो, करो जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है, रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है, घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए, सोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालियों के लिए भी उड़िया होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उड़िया होकर पोस्टर पर, ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है,
इंसानियत नहीं है, इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया, जिसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है, बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दी दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको दो बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती के दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ, और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी छंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जबी तो अल्लाह ने क्यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर ना आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुँचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुँचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु समाउ कल महल व तकूनु अल जिबालु कल इहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इदस समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इदल कवाकिब तथरत, जब सितारे झड़ेंगे। व इदल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं, जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछ। अरे है, हम जल्दबाज हैं वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है, काफिल नहीं है। अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुद्ध परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दावत-ए-सलाम नासर खान इस्लामी केसट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खा के द नासर खान सरार साथ मिलावेगी और ददीन अलावा ददीन तकारूर के सटे बोमता सुरा ददी दुकान ना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो, वो जालिम है तो सबर करो, अन करीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सबर करो, अन करीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सबर करो, अन करीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेजे पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल, खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई, मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, रात के लिए ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूँ।
उसने कहा कोई गवाह लाओ तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूँ, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना आतिश परस्त बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे एक दो रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार, ओ भाई वो बच्चे वो औरत कहाँ चली गई? कहीं वो पारसी सरदार ले गया जो सुबह सुबह धमा धम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया, ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, आए हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। और ये तो आले रसूल थे, अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेजे पे लटका दिया। और जब हजरत जैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए सर कटे हुए धड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जबान से निकला या मोहम्मदा सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हादा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा मुक़त्तअुल आदा बनातुक सबाया व ज़ुर्रियतुक मुक़त्तला तस्फी अलैहा सबा या रसूल अल्लाह या मोहम्मद ओ हमारे नाना आ जा तुझ पर अल्लाह का दरूद व सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो, आज अपने हुसैन को देखो, आज इसने अपनी आज इसकी मेहंदी हो रही है, आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही? अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है। आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से? अपने ही खून की पोशाक है। जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुकत्तअुल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कफन देने वालों ने कफन न दिया तो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्द और गुबार से उनके जिस्म को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं, आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया। जिसे आखरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब जिना से बचता हो, अल्लाह का फरमा बरदार हो, वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा, ज्यादती करने वालों को गिफ्ट में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिकल शदीद, इन्न बत्श रब्बिकल शदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ वा युईद। आज अपने रब की पकड़ देख, وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد। आज अल्लाह की पकड़ देखो, मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई للمتقين, वो जहन्नम आई للغاوين, برزت الجحيم للغاوين, وزلفت الجنة للمتقين, قل صراط آية ام منكم الا واردها, ترازو آية نضع الموازين القسط ليوم القيامة। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या عبادي اني انصت لكم منذ ان خلقتكم الى يوم احييتكم هذا। मेरे बंदो मैं इस्लाम आबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा, मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी,
हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था। शराबी भी सामने थे, रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे। महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊंघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्म अल्यौम, ला ज़ुल्म अल्यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़्रा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तकबिल, जवानी, बुढ़ापा, फकर, गिना, अर्श, फर्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता, फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा, वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सर नहीं, वो मुहद्दिफ नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअज्जिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा, आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए, इसे सिंध तास के माहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए, ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है, कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है, अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे, कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है, कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची, गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई, गालियां, नौकर देर से आया, गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई, गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है, अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्ला को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी, आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेट हुए थे, मैं उनके यहाँ बै, मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है, अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है, चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है, न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं, मौत भी उन्हें ना मिटाएगी।
कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल आल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था असला असला असला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़। बक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, बक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे, मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं, वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला, इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना, इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत अयमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, मातातों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो, झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली ना देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें थरे रह जाएंगे, सारी सखाफतें थरी रह जाएंगी। ये जबान मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोजख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ईमानकुम, नमाज न छोड़ना, छुट गई छुट गई, हाय छुट गई, मैं कहां से अल्फाज लाऊं। तुम्हारे कानों के पर्दों में से रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, साहिल हूं, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती, अल्लाह के साए में आ जाओ। सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा, क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा, क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा, क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया, क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा, क्या मछली के पेट में यूनस मरा। अरे अल्लाह को साक्षी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है, हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो, हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हों या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो, मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो, आशिक सोई हकीकी जोड़ा कतल माशूक द मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सए तलवारा खन्ने, सच्चा इश्क हुसैन दबा हो, सिर दिते ते राज न भन्ने। تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطيع مان جاؤ میری فریاد ہے میں مقرر مقرر نہیں ہوں میں ایک فریاد میں سائل ہوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو یہ گندی زندگی یہ مغرب کی کالی تہذیب ये मगरिब की बेहया जिंदगी ये बॉयफ्रेंड ये गर्लफ्रेंड कल्चर ये गंदे अंडे हैं ये उबले हुए गटर हैं ये उबलते हुए गटर हैं ये नाच गाने की महफिलें ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम ये बेहया आवारा जवानियां
ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबला हुआ उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है। आ जाओ, वापस आ जाओ अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीजा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इलम में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज और अजल और अतम और आसन और अबहा और अनवर और आसन जाएंगी, पर मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका, तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा, तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए, ऐसे नीर बहाए के मक्के के काले पहाड़ों ने भी उन्हें जज्ब किया और मदीने की सख्त मट्टी ने भी उन्हें जज्ब किया। और आपकी आहों और सिस्तियों से जजीरतुल अरब आज भी मामूर है। जाओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहाँ कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी दुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका दौफ कुव्वती व किल्लत हीलती व हवानी अला नास। ए मेरे मौला, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया, कितने सबर वाला नबी, और फिस पे आ, हमारी जुबान में कहते हैं फिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ, वो दिन नबी फिस पे आ। मेरे रब, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। वो इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जिब्रील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दें या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान लाते तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफरों पर ऐसा शफीक था वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं, क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो, क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? मतलब मैं दाढ़ी तो मुंडाता हूं और क्या करता हूं। कितनी दलेरी सी लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात कर। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद होते, तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती, तुम देखते नहीं हो। हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर, आधा घंटा मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट, घंटा मैं नहीं पूरा कर सकेगा, 55 मिनट। तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रख के 6 घंटे दुआ की है। ना साया ना टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ इधर मुझे देखना, ये हाथ अब ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू करने लगे। ऐसे जैसे को मिन्नतें कर, ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद ना पसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो, टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शाख से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो। पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से लगते? किस हाल में उसको, उसका सामना कैसे करो, कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ, जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सहेब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहादा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय, और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर। किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें, किस हाल में मरना चाहते हो, किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है, हाय हाय तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं।
तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती फड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्सी मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्से। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्से। दानियाल इलियास अय्यूब दाऊद सुलेमान यहया ज़करिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम कभी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह का अल्लाह के पांच बड़े पैगंबर नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिम सलावात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैं इन्हें बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका रन नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है, उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफसी नफसी नहीं कह रहा। ये कौन है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से जबा कर देते हो, कह तो क्या हुआ क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ, ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ हुआ, यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकलाब ले आओ। कौन सा इनकलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस, हाँ हाँ जुलूस निकालो, अपने नफ्स के खिलाफ जलसा करो, शैतान के खिलाफ इनकलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकलाब आएगा तो दिन हरे होंगे, ये इनकलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा दयानतदार अमला भी हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयो अल्लाह की किताब के साथ 35 साल गुजर, देखो इसे मेरा दावा ना समझना, मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूं तो तुम्हारी वाह वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा? ऐसे आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है। अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूं, अब मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर खा हूं। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न बुन, तेरी रोई में चार बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे, फिर दुनिया के सारे फिरौन इकट्ठे होंगे तो तुम मूसा की तरफ बचाए जाओगे, सारे नमरूद इकट्ठे होंगे तो तुम इब्राहिम की तरफ बचाए जाओगे, सारी दुनिया के इफरीत इकट्ठे हो जाएंगे और उनके वेल मछली की तरह मुंह खुल जाएंगे तो यूनुस की तरह बचाए जाओगे। अल्लाह से यारी लगा लो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनकर, ये तबलीग की मेहनत है।
हम ये सिर्फ नहीं कहा, तबलीग वाले बड़े अच्छे लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज तो हम पहले ही पढ़ते हैं और अब हम तबलीग में जाके क्या करेंगे। वो ये रोना है, तबलीग एक दर्द है, एक गम है, एक दुखन है, एक अंदर की फरियाद है कि नाफरमानी को देख कर दिल तड़प जाए। एक आम अल्फाज का मोहताज नहीं है, इसमें लफाजी कोई नहीं, मैंने कोई लफाजी इस्तेमाल की है, मैं ला सकता हूँ अल्फाज, ये नहीं कि मेरे पास अल्फाज जमा नहीं है। ये लिखने वाले कैसे अल्फाज का खेल खेलते हैं, ये कलम से खेलते हैं, लोग कानों से पढ़ते हैं, दिल की दुनिया वहीं की वहीं। कोई रोने वाला होता, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, रोने वाले की हाय हाँ पाड़ के रख दें दिए, पत्थर पाट जान दें। रोने वाले कोई नहीं है, तबसरे करने वाले हैं, रोने वाले कोई नहीं। मेरे भाइयों, तबलीग एक दर्द है, दर्द, उस दर्द मेरी नस्ल जाए। मैं इसी इस्लामाबाद में 20 साल का नौजवान, मैं गश्त में, मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या, कहने लगा उमर। मैंने कहा हजरत उमर को जानते हो, कहने लगा नाम तो सुना हुआ है। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे दोरी थार का खंजर मेरे सीने में मार दिया हो, कि मैं उस माँ बाप पर बैठ के आंसू बहाऊं, किस बच्चे की जवानी पर बैठ के आंसू बहाऊं कि जो 20 बरस का होकर ये नहीं जानता कि उमर कौन है, नाम तो सुना हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह रसूल की गुलामी में आ जाओ, मस्जिदों को भर दो, सारे इस्लामाबाद को 100% नमाजी बना दो, तो अल्लाह का देखना निजाम कैसे बदलता है। अपने घरों में अपने नबी के तस्करे जिंदा कर दो, तालीम फजाइल के हलके जिंदा कर दो, अजान पर बाजार बंद हो जाएं, कॉलेज बंद हो जाएं, दौड़ लगे मस्जिद की तरफ, औरतों की मसल्ले की तरफ, और दुकानदार झूठ से तौबा करें, सूद से तौबा करें, सारा अमूमी मजमा झूठ से, गीबत से, गाली से तौबा करे, और फिर देखो रुत कैसे बदलती है, फिर देखो बहार कैसे आती है। आने को है, याद रखना, आने को सुबह सादिक के आसार हैं, सफीदा सहर नमोदार हो रहा है, सुबह होगी। हम ये जिद कर रहे हैं अपने रब से कि हमें भी दिखा, सारी जिंदगी खिजा ही दिखी, थपेड़े झेल झेल अखियां ही पत्थर आ गईं, जिस्म ही अकड़ गए। तमन्ना है, मांगा करो अल्लाह से, या अल्लाह खिजा दिखा के मौत न देना, इस्लाम की बहार भी दिखें। और आने को है, बाद सबा चलने को है, जो तौबा कर जाएगा बच जाएगा, जो नहीं करेगा झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है, फिरेगा फिरेगा फिरेगा, कौन कौन कौन, ये अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा। इस बेहयाई के नक्शे को टूटना है, इसे तोड़ेगा ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा ये टूटेगा, इसे कौन तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा। अल्लाह बुत परस्ती को मोहलत देता है, कुफ्र और शिर्क को मोहलत देता है, बेहयाई को मोहलत नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। आएगा अल्लाह, आपने रोजाना अपने घर में सफाई करवाते हो, ये धरती मेरे अल्लाह की है, ये आंगन मेरे अल्लाह का है, सफाई होने को है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। मैं कोई नजूमी पामिस्ट कोई नहीं हूँ, मैं तो कुरान और सुन्नत में गौर करके बता रहा हूँ, अकवाम आलम का मुशाहदा करते हुए बता रहा हूँ कि ये आंगन साफ होने को है, हवाओं का रुख बदलने को है, फलक के तेवर बदलने को है। आ जाओ, आ जाओ मस्जिद में, आ जाओ, देखते नहीं हो सोनामी का पानी सब कुछ बहा गया, मस्जिद को हाथ भी ना लगाया। वो इंडोनेशिया के आचे में क्या हुआ, इंसान भी बह गए, जानवर भी बह गए, घर घरों दे 10-10 मंजिला बिल्डिंगे बहन गई, एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है, एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है, जिसको लोग मस्जिद कहते हैं। मस्जिदें भर दो, इनकलाब आ जाएगा। तो देखो मेरे अजीजो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सारे मुझसे छोटे भी बैठे हो, मुझसे बड़े भी बैठे हो, मेरे हम उम्र भी बैठे हो, मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज तौबा कर लो, आज तौबा कर लो, हम इसको इनकलाब कहते हैं, आज तौबा कर लो, आज तौबा करोगे आसमान पे चराग हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा, सारा इस्लामाबाद तारीकी में, और तुम चंद हजार माशाल्लाह 99% नौजवान बैठे हुए हैं, तुम यहाँ से तौबा करके उठोगे तो सारे राहों में फरिश्ते तुम्हारे बाजू चूमते जाएंगे, जिन होंठों से तौबा करोगे वो होंठ चूमते जाएंगे, तुम्हारे कदम चूमते जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले पर बिछाते जाएंगे, जिधर जिधर को तुम्हारी गाड़ियां मोटरसाइकिल साइकिल मुड़ेंगे उधर उधर रहमत की बरसात और रहमत की घटाएं छाती चली जाएंगी।
चिल्ला 4 महीने अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के जगह तो निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ 4 महीने लगाओ, और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना, तौबा करते हो ना, एक दफा सारे मुंह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, हाँ 3 दफा इसलिए कहलवाता हूँ कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो, अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया वह ऐसे बैठा है जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें जिम्मे रह गई, फर्ज छोड़े थे गुनाह माफ हो गया, कजा देनी होगी, हक मारे थे गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई, जमीन दबा ली गुना माफ वापस कर दो, नमाज छोड़ी थी गुना माफ हो गया, नमाज हर नमाज के साथ 1 नमाज कजा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक, अल्लाह कौन सा पूरा पूरे हिंद से के साथ मांगेगा, वो तो ये देखा करता तो रहा बस इतना ही काफी है, उसकी रहमत उसके गुस्से पर हावी है। फलियोम फलियोम फा फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है, फल योम, और योम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता, अभी अभी कयामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले ये आयत उतरी, और अल्लाह कह रहा बस अभी الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے، تم مسکرا رہے ہوگے وہ رو رہے ہوں گے، تمہارا سر اونچا ہوگا ان کا سر نیچے ہوگا، تمہارے سر پہ تاج ہوگا ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی، تمہارے گلے میں ہار ہوگا ان کے گلے میں توق ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتخشى وجوههم النار، تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، تعرف فی وجوههم نظرۃ النعیم، اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک، کانما اخشت وجوههم قطعا من اللیل مظلما، تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے سلاما، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے، ہاں یغفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے، آہا آہا اے ہائے، بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق، تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے، اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد، آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے، تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی، اور ان کے لیے ان کے مہمان فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حصان، سب چادریں بچھائی جا رہی ان کے لیے، آگ کی چادریں بچھائی جا رہی ان کے لیے، کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار ان کے لیے پانی ہے، ان کے لیے پانی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتا پانی، یسقا من ماء صدید، کئیوں کو پیپ، سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتھڑے بھی، جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا، ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے، اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ، پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے، جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا، یسقا من ماء صدید، پی، اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ پی، کہے گا پیا نہیں جاتا، یتجرعہ، پینا پڑے گا، ولا یکاد یسیغ، اندر جا نہیں سکتا، باہر کلی نہیں کر سکتا، اوپر سے فرشتے کی مار ہے، ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی، کہے گا این الموت یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے، میرا اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا بل ادعو اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں کروڑوں موت پہ پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں، اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے، کہیں گے یوما ایک دن، دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم آدھا دن، آدھا دن، ایک دن آدھا دن، اختلاف ہو گیا،
मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बेसमत तजर तुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया, वो दिन आधे दिन के बदले में बस गजब मेरा गुस्सा खरीदा, सौखाची मेरे गजब को मेरे गुस्से को खरीदा, बनारा जहन्नम और आग को खरीदा। जाओ आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, मौत होती तो ये मर जाते, अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोजख को ख्वाब में देखा, अब तक मेरे ऊपर उसका असर है, जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकपाने लग जाऊं, टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं कोई नंबर दो बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पेशाब भूल जाता है जब मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े बड़े बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं, उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं मस्जिद, इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकल रही, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगे फैल फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है, ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं, वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, वो नीचे ऐसे खौफ सदा नजरों से आपको देख, ऐसे उनकी आंखें फटी वो यूं आपको देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं, बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है, उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं, और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां ना दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, फरमाया अल्लाह को पता, जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे, तो आप